मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मावली भाटा के ग्रामीण टोकापाल ब्लॉक के एसडीएम की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। दरअसल यह मामला मावली भाटा में बिछने वाली स्लरी पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है। यहां ग्रामीणों ने स्लरी पाइपलाइन का विरोध किया है। ग्रामीणों के मन में पाइपलाइन को लेकर विभिन्न तरह की भ्रांतियां भी मौजूद हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में पाइपलाइन लगाने के बाद ग्रामीणों को खेती करने और पानी के लिए बोर करवाने में भी परेशानी आ सकती है और इसके साथ ही ग्रामीणों के घर स्लरी पाइपलाइन की जद में आ रहे हैं, जिसके चलते उन ग्रामीणों को उनके घर टूटने का भी डर अब सताने लगा है। मामले को लेकर टोकापाल एसडीएम माधुरी सोम और ग्रामीण आमने सामने आ गए हैं और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और ग्रामीणों की शिकायतें सुनने के बाद बस्तर कलेक्टर ने उन्हें समझाइश देते हुए नियम के मुताबिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अधिकार पट्टा के लिए गए थे निस्तार प्रमाण पत्र मांगने, निस्तार प्रमाण पत्र मांगे तो या मैं यहाँ से नहीं दूंगी, चल भागो बोल के भगा दी। उसके बाद फिर गए 27 तारीख को पंचायत विभाजन के लिए, पंचायत मावलीवाटा से पत्र लिखवा अलग करने। उस दिन भी वही पाइप सरली पाइपलाइन का बात निकला तो मैडम बोल रहे कि जमीन क्यों नहीं दी है सरली पाइपलाइन के लिए। पूरा जनता बोल रहा है हम पाइपलाइन के लिए जमीन नहीं देंगे। मावलीवाटा पंचायत से हमारे साथ मेरे क्षेत्र के ग्रामीण आए हुए हैं और उन लोगों का मांग ये है कि वहाँ की जो एसडीएम मैडम है उनको वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि वो मैडम का कहना है कि वो पैसा कानून को नहीं मानती होकर के। तो एसडीएम मैडम के पास भी जाके इन्होंने बस यही बात रखा कि मैडम हम आपके पास जाति निवास बनाने आए हैं और कुछ अन्य काम था। तो उनका कहना ये है कि हम तो ग्राम सभा को हम नहीं मानते। ग्राम मावलीवाटा से ग्रामीण आज आए हुए थे, उनका मुख्य विषय था कि स्लरी पाइपलाइन को लेके जो उनका विरोध था उसकी आठवें थाना क्षेत्र अंतर्गत